24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर रहा है। कुछ कुछ जगह पर बारिश हुई है, हल्की से मध्यम बारिश। एक जगह पर हैवी रेनफॉल भी हुई है, जिसमें कंधमाल में खजुरेपाड़ा में 83.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम बात करें हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, भुवनेश्वर का मैक्सिमम टेम्परेचर जो हाईएस्ट रहा उड़ीसा में, भुवनेश्वर का रहा 39.6 डिग्री सेल्सियस और कटक का 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। फिलहाल उड़ीसा के ऊपर कोई भी सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन आसपास के सिस्टम के प्रभाव से अभी क्लाउडी स्काई है और अगले 5 दिन तक लाइट टू मॉडरेट रेन एक दो स्थान पर बने रहने की संभावना है। हम बात करें डे वन और डे टू, यानी 1 और 2 तारीख को लगभग पूरे उड़ीसा में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। डे वन यानी कि आज कुछ जगह पर हैवी रेनफॉल एक दो स्थान पर होने की संभावना है, जिसके लिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है, जिसमें मलकानगिरी, कोरापुट और रायगढ़ गजपति डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा कई कुछ कुछ स्थानों पर आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म विद लाइटनिंग और गस्ती से विंड स्पीड जो कि 30 से 40 के जाने की संभावना है, वहां पर येलो और वार्निंग भी दी गई, जिसमें मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केवंझर, देवगढ़, अनुगुल, गजपति और रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। इसी बार 2 तारीख को भी कुछ जगह पर जो आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने की संभावना है, इसलिए येलो वार्निंग दी गई है, जिसमें मयूरभंज, केवंझर, साउथ कोस्ट उड़ीसा और रायगढ़ कोरापुट मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। 3 तारीख को भी लगभग कोस्टल उड़ीसा पूरा और उसके साथ साथ मयूरभंज, केवंझर, ढेंकनाल, अनुगुल, सुंदरगढ़ में आइसोलेटेड प्लेसेस पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग होने के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 4th को भी उड़ीसा में जो हमारे नॉर्थ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट और साउथ उड़ीसा कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे बालासोर, मयूरभंज, केवंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बालगढ़ और साथ में गजपति, रायगढ़, कोरापुट और नवरंगपुर में आइसोलेटेड प्लेस पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 5th को भी साउथ कोस्ट उड़ीसा, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में येलो वार्निंग दी गई है थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग एक दो स्थान पर होने के लिए। अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर में ज्यादा बदलाव अगले 4-5 दिन तक ज्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है।